नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद शुरू हो गया है और पार्टी के नेता आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर के समर्थन में पार्टी के कई नेता खड़े हैं, तो वहीं कई नेताओं का ये कहना है कि प्रशांत किशोर ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिया वो सही नहीं है। इससे पता चलता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो पंजाब चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ा जाए और ताकि इसका चुनावों में फायदा मिले। हालांकि देखना यह होगा कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की मदद करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर जो राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बीच जंग छिड़ गई है, इससे पता चलता है कि आने वाले समय में स्थितियां खराब होती नजर आ रही है और आने वाले समय में इससे कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पार्टी के नेताओं को मनाने के लिए, पार्टी के नेताओं को समझाने के लिए क्या बड़ा कदम उठाती है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने CWC की बैठक की थी, जिसमें पार्टी के नेताओं को ये सलाह दी गई थी कि वो किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे पार्टी को नुकसान हो। अब देखना ये होगा कि पार्टी में जो बगावत दिख रही है, इस बगावत को कम करने के लिए सोनिया गांधी क्या बड़ा कदम उठाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।